कर दूंगी तुम्हें पागल, चाहूंगी सनम। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वीआईपी टेक जाऊं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सब लोग के लिए लेके आ गया हूं एक और पोर्ट्रेट साइज में एक बड़े सा ट्रेंडिंग वाला जो कि बार्स इफेक्ट वाला स्टेटस वीडियो है। दोस्तों अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का एक बड़े सा स्टेटस का ट्यूटोरियल सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, तभी आप बहुत ही आसानी से इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि यार अगर आपको प्रीव्यू वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके मेरे को ये भी बताना कि वीडियो आप सबको कैसा लगा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए यार सबसे पहले हम लोग ए बी प्लेयर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास ए बी प्लेयर एप्लीकेशन नहीं है तो इस एप्लीकेशन का जो प्रो वर्जन का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको हम लोग कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इधर आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो हम लोग ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो बॉक्स जैसा दिख रहा है, इस बॉक्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आपको नीचे की साइड में एक लोड फ्रॉम फाइल का एक आइकन मिल जाएगा ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे लोड फ्रॉम फाइल पर। उसके बाद इधर अपने फोल्डर से हम लोग एक विजुअलाइजर को ऐड करेंगे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। और ध्यान रखिए दोस्तों विजुअलाइजर को डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपने फाइल मैनेजर में जाना और वहां पर इस विजुअलाइजर को रीनेम करके सेव कर लेना। उसके बाद यहां पे इस विजुअलाइजर को ऐड करना, तभी ये ऐड होगा, नहीं तो नहीं ऐड होगा क्योंकि हमारा जो ए बी प्लेयर है दोस्तों न्यू वर्जन है। ठीक है, तो सबसे पहले विजुअलाइजर को डाउनलोड करने के बाद एक बार इसका नाम चेंज करके सेव कर लेना अपने फाइल मैनेजर में। उसके बाद यहाँ से इस विजुअलाइजर को ऐड कर लेना। विजुअलाइजर को ऐड करने के बाद दोस्तों ये इधर लास्ट वाले बॉक्स में इधर ऐड हो जाएगा, तो इस पर एक बार क्लिक करना इस बॉक्स पे। उसके बाद यहाँ से एक बार ऐसे बैक कर देना। बैक करने के बाद दोस्तों अभी आपको ऊपर की साइड में एक पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, तो इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आपको ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे में एक इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना। उसके बाद इधर राइट साइड इमेज पर क्लिक करना और इधर कस्टम इमेज पर क्लिक करेंगे और इधर पिक इमेज पर क्लिक करके दोस्तों अपने फोल्डर से हम लोग एक इमेज को ऐड कर लेंगे जिस इमेज पर हम लोग वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं एक इमेज को ऐड कर लेता हूं और इस वाले इमेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके ऐड कर लेना। इमेज को ऐड करने के बाद इधर आप इसको क्लोज करना और यहां से क्लोज करना और यहां से बैक कर देना। बैक करने के बाद दोस्तों अभी आपको उसी के जस्ट नीचे में आपको दो ब्लर इफेक्ट मिल जाएंगे, तो हम लोग ये फर्स्ट वाले ब्लर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आपको अपीयरेंस पर क्लिक करना है और अपीयरेंस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर आपको दो बॉक्स मिल जाएंगे छोटे छोटे, तो इन दोनों बॉक्स को कुछ इस तरह से टिक कर देना। इन दोनों बॉक्स को टिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन को क्लोज करना है यहाँ से, और यहाँ से इसको भी क्लोज करना और यहाँ से बैक कर देना। और बैक करने के बाद दोस्तों जस्ट उसी के नीचे में एक और ब्लर इफेक्ट मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको जनरल पे क्लिक करना है। और जनरल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर आपको एक विजुअल का छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा, तो इसको आप लोग कुछ इस तरह से टिक कर देना। इसको यहाँ पर एनेबल करने के बाद इसको भी क्लोज करना और यहाँ से बैक कर देना। और पैक करने के बाद दोस्तों जस्ट उसी के नीचे में एक ऑप्शन आपको और मिल जाएगा जो कि इमेज कलर इफेक्ट का रहेगा, तो इस पर क्लिक करना। उसके बाद इधर आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा जनरेटेड एल्बम आर्ट का, इस पर क्लिक करना। और इधर आपको तीन नंबर पे एक बॉक्स टिक मिल जाएगा, तो इस तीन नंबर वाले को यहाँ से अनटिक कर देना, डिसेबल करना। उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज करना और पैक कर देना। बैक करने के बाद दोस्तों उसी के नीचे में एक बार्स का ऑप्शन रहेगा और बार्स के नीचे में आपको दो पार्टिकल्स मिल जाएंगे, तो फर्स्ट वाले पार्टिकल्स पे क्लिक करना। उसके बाद इधर आपको जनरल पे क्लिक करना है और जनरल पे क्लिक करने के बाद इधर आपको विजिबल का छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा, तो इसको आप लोग टिक कर देना। इसको यहाँ से एनेबल करना और यहाँ से क्लोज करके बैक कर देना। और बैक करने के बाद दोस्तों जस्ट उसी के नीचे में एक पार्टिकल्स और है, उस वाले पार्टिकल्स पर क्लिक करना। उसके बाद जनरल पर क्लिक करना और सेम उसी तरीके से इसको भी यहाँ से टिक कर देना। इसको एनेबल करने के बाद यहाँ से क्लोज करेंगे, उसके बाद यहाँ से बैक कर देंगे। बैक करने के बाद दोस्तों जस्ट उसी के नीचे में एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा टेक्स्ट चैनल नेम का, तो इस पर क्लिक करना। उसके बाद अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे और इधर मेरे चैनल का नाम लिखा रहेगा यूट्यूब वीआईपी टेक जॉन, इस पर क्लिक करना। और इधर मेरे चैनल के नाम के ऊपर फिर से क्लिक करना। उसके बाद मेरे चैनल का नाम रिमूव करके आप अपने चैनल का नाम या फिर अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से इसको आप लोग क्लोज करना और यहाँ से बैक कर देना। बैक करने के बाद दोस्तों इधर अभी आपको एकदम नीचे की साइड में आना है और इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कंपोजिशन वन। कंपोजिशन वन के नीचे में लिखा रहेगा इमेज, ठीक है,
जिस पे लिखा रहेगा योर इमेज टू, तो इस पे आप लोग क्लिक करना, उसके बाद इमेज पे क्लिक करना और कस्टम इमेज पे क्लिक करना और पिक इमेज पे क्लिक करके सेम उसी तरीके से जो हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में एक इमेज को ऐड किया है ना, सेम उसी वाले इमेज को यहाँ पे फिर से आप लोग ऐड करना है ये वाली, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक इमेज को ऐड किया था ना, सेम उसी इमेज को यहाँ पे फिर से हम लोग ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद यहाँ से एकदम क्लोज करके आप लोग इधर आ जाना बैक करके होम स्क्रीन पे। इधर आने के बाद दोस्तों इधर आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ थ्री डॉट मिल जाएगा, तो इस थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद लाइब्रेरी पे क्लिक करना। और लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग अपने फोल्डर से यहाँ से एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना जिस सॉन्ग पे आप लोग वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लिया और इस वाले सॉन्ग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप लोग इस सॉन्ग को ऐड कर लेना। उसके बाद फिर से आपको इसी थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद इधर आप लोग विजुअलाइजर पे क्लिक करना। और विजुअलाइजर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ कॉर्नर में एक छोटा सा एरो का आइकन मिल जाएगा तीर का, तो इस पर क्लिक करना। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर हम लोग दो सेटिंग कर लेंगे जो कि मेन सेटिंग है। अगर आप लोग ये दो सेटिंग नहीं करोगे तो आपका जो स्टेटस है यार वो पोर्ट्रेट साइज में सेव नहीं होगा। तो वीडियो को यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, और अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरह की नई नई वीडियो का ट्यूटोरियल आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इधर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियो विथ का और वीडियो हाइट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो विथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी लिख रहेगा हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे इसको। इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1080, ठीक है, 1080। उसके बाद जस्ट उसी के नीचे में एक और ऑप्शन रहेगा वीडियो हाइट का, तो इस पर क्लिक करना और यहाँ पर भी जो भी लिखा रहेगा उसको हम लोग कुछ इस तरह से रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1350, ऊपर में 1080, नीचे में 1350। उसके बाद यहां से आप लोग डन कर देना, और डन करने के बाद दोस्तों अभी आपको बिल्कुल नीचे में इधर आपको लेफ्ट साइड में एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहां पे दोस्तों जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये 100% तक प्रोसेस लेगा, उसके बाद हमारा जो स्टेटस यार हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कॉमेंट करके मेरे को ये भी बताना कि आप सबको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और दोस्तों अभी तक यार आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं यार एक और अपनी इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।